हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास क्लास 12 का मैथ का सेकंड भाग का है। हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, ये पार्ट 8 है, यानी प्रश्नावली हम लोग 7.3 को स्टार्ट करना है। तो आइए देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 है या क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6। तो एक एक का समाकलन किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, यानी इसका समाकलन करना है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर का जो समाकलन संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो जानते हैं कास 2x बराबर यानी कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और यह हो जाएगा 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और ये साइन वाला है, इसे पिलाएंगे तो कास 2x इक्वल टू का होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसको लेफ्ट में लाइए, इसको राइट में ले जाइए, तो 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कास 2x या साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कास 2x बाई 2। अब ये जो साइन स्क्वायर x है उसके यहाँ पर रखेंगे, तो मान रखना, देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर के यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कास, अब 2 है 2, और x की आप लिख देंगे 2x प्लस 5 और dx और टोटल बाई 2। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस कास 4x और प्लस 10, गुणा कर दिए इसका इसमें इसका इसमें, और बाई 2 का dx। अब अलग अलग समाकलन कर लीजिए, 1 बाई 2 बाहर कॉमन लें, अलग अलग समाकलन कर दें तो 1 बाई 2 बाहर हो गया 1 dx, हम माइनस आपको हो जाएगा कास 4x प्लस 10 आपका dx। अब आइए 1 बाई 2, इसका 1 का समाकलन x हो जाएगा माइनस कास का साइन हो जाएगा साइन 4x प्लस 10। और ध्यान दीजिएगा यहाँ देखेंगे x का गुणांक क्या है, 4, और 4 है 4 गुणा में है, यहाँ पड़ जाएगा भाग पड़ जाएगा 4 का। आज जब समाकलन होता है फिर नियतांक लगाते हैं सी, और इसको अंदर ले जाइए तो x बाई 2 हुआ माइनस आपका साइन 4x प्लस 10 बाई 8 और प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है क्वेश्चन आपका 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कास 4x dx, ठीक है। तो इसका भी समाकलन करना होगा तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, देखिएगा 2 साइन a इंटू कास बी का जो फार्मूला होता है जानते ही हैं, इसको पहले बनाया गया इसमें 1 बाई 2 और 2 के रूप में। इसका फार्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये आपका हो जाएगा 1 बाई 2। अब देखिए फार्मूला में तोड़ रहा है इसको, 2 साइन इंटू साइन बी आपका क्या साइन a प्लस बी तो x और 4x 5x हो जाएगा, अब प्लस, अब आइए साइन ए माइनस बी तो एक्स माइनस 4x जाएगा माइनस 3x जाएगा, ठीक। और ये आपका डी एक्स 1 बाई 2, यहाँ आपका समापन है, ये आपका 5 साइन 5x आप साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस हो जाएगा साइन 3x और डी एक्स। अब अलग अलग समाकलन करना है,
वन बाई टू आर की है साइन फाइव टी एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष, और यह माइनस साइन थ्री एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन है। और समाकलन करें तो वन बाई टू साइन का होता है जानते ही हैं माइनस कास फाइव एक्स। अब देखिएगा एक्स है, एक्स का गुणा क्या है पाँच, गुणा में भाग करेंगे और ये देखिए माइनस साइन थ्री एक्स का क्या जाएगा कास माइनस में थ्री एक्स, एक्स का गुणा थ्री है तो थ्री से भाग, तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस अधन सी। अब इच्छा हो तो क्या कीजिए इसका, इसको अंदर ले जाइए या यही आंसर ही दीजिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर थ्री को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका कास टू एक्स कास फोर एक्स इंटू कास सिक्स एक्स, इसका समाकलन करना है। वही काम इसको भी बनाना है, दो से गुणा दो से भाग। अब यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बना, टू कास ए इंटू कास बी का फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा फार्मूला, देखिएगा आपका फार्मूला होगा कास ए धन बी, तो कास सिक्स एक्स हो जाएगा और धन कास ए माइनस बी, तो टू एक्स माइनस फोर एक्स जाएगा तो माइनस टू एक्स होगा, कास माइनस थीटा आपका थीटा होता है तो कास आपका टू एक्स जाएगा ठीक। और कास सिक्स एक्स डी एक्स इसका इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो वन बाई टू ये आपका कास स्क्वायर सिक्स एक्स और प्लस कास टू एक्स कास सिक्स एक्स, और अलग अलग समाकलन भी कर दीजिए डी एक्स। इसका वही फार्मूला यूज करें जानते हैं कास टू एक्स बराबर का टू कास स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये लेफ्ट में आएगा तो वन प्लस कास टू एक्स और बाई टू कर लें इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स, यानी कास स्क्वायर एक्स से जो कितना लिख सकते हैं ठीक है। तो रखा जाए वन बाई टू, अब आपका समाकलन आप कास की जगह लिखा जाएगा वन प्लस कास, और देखिए टू और यहाँ पर एक्स जगह पर सिक्स एक्स है ट्वेल्व एक्स हो जाएगा अब आई टू ठीक है। और इसका फार्मूला कास एन टू कास बी का, तो वही जो अभी किए हैं तो फार्मूला यूज कीजिए तो कास ए धन बी एट एक्स हो जाएगा ठीक। अब प्लस इसको अलग समाकलन भी कर देना डी एक्स और धन ये आपका ए माइनस बी, तो टू एक्स में से सिक्स एक्स जाएगा फोर एक्स माइनस होगा कास माइनस थीटा आपका थीटा होता है तो आपका फोर एक्स जाएगा और इसका भी समाकलन डी एक्स। अब क्या करें वन बाई टू इसका देखिए समाकलन एक्स से सापेक्ष करेंगे तो वन का एक्स 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 का सापेक्ष वन का समाकलन एक्स हो जाएगा अब कास ट्वेल्व एक्स है तो साइन हो जाएगा ट्वेल्व एक्स और यक्स का गुणांक कितना आएगा बारह, बारह से यहाँ पर भाग दे देंगे ठीक। और टोटल का बाई टू हो जाएगा और धन अब आइए कास का क्या जाएगा साइन एट एक्स और यक्स का गुणांक आठ गुणा तो भाग पड़ जाएगा आठ, और धन कास का हो जाएगा साइन और इसका फोर एक्स और इसका गुणांक अब यक्स का गुणांक चार है गुणा में चार भाग हो जाएगा अधन एक समाकलन यथांक हो जाएगा सी। अब क्या करें इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने का जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री हुआ, क्वेश्चन नंबर फोर को देखा जाए। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर फोर है क्या इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू टू एक्स प्लस वन डी एक्स। अब एक फार्मूला है इसको हम समाकलन कर नहीं पाएंगे तो फार्मूला यूज करेंगे साइन जानते हैं साइन थ्री एक्स बराबर थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यू एक्स।
अब इसको लेफ्ट लाइए, इसको राइट में ले जाइए, तो फोर साइन क्यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, या साइन क्यू एक्स बराबर हो जाएगा थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बाई फोर। यानी यहाँ साइन क्यू है उसके आप कितना लिख सकते हैं, तो लिखने जा रहा लिखिएगा साइन क्यू तो थ्री साइन एक्स पर टू एक्स और प्लस वन और माइनस साइन, अब देखिए थ्री तो थ्री एक्स यहाँ तो आपका थ्री का मल्टीप्लाई कर दे रहा है तो थ्री आपका टू मल्टीप्लाई होगा सिक्स एक्स प्लस थ्री हो जाएगा और यह आपका बाई फोर हो जाएगा और टी एक्स। अब अलग अलग कर लीजिए तो थ्री बाई फोर समाकलन साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स, यह हो जाएगा आपका वन बाई फोर समाकलन ऑफ साइन सिक्स एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब साइन का जानते हैं कॉस होता है माइनस में, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या होता है कॉस माइनस में, थ्री द माइनस कॉस टू एक्स प्लस वन, एक्स का गुणन का टू गुणा में तो भाग कर देंगे और माइनस वन बाई फोर इंटू यह आपका माइनस हो जाएगा कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस सिक्स एक्स प्लस थ्री आपका बाई एक्स का गुणन कितना है सिक्स, सिक्स से भाग दे देंगे धन सी। अब क्या करना है आपको कुछ नहीं, इसका क्या कीजिए यहाँ पर आपको गुणा कर दीजिए, इसको इसमें गुणा कर दीजिए, आएगा रिजल्ट वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, क्या करना है इसको लिख रहा हूँ साइन क्यू एक्स को साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, इसको चेंज कर रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इसको लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यू एक्स, ठीक है, और ये आपका डी एक्स। अब इसको अंदर ले जाइए तो साइन एक्स यह हो जाएगा कॉस क्यू एक्स और माइनस कॉस टू द पावर फाइव एक्स डी एक्स, और माना जाए लेट कॉस एक्स बराबर टी तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी, ये माइनस आपका इधर आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा इसको साइन एक्स डी एक्स की आप लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स की आप लिख सकते हैं माइनस डी टी, और इसके जवाब पर क्या कॉस एक्स की जवाब पर टी तो टी की हो जाएगा माइनस टी टू पावर फाइव हो जाएगा, और इसका समाकलन करना तो माइनस इसका समाकलन करेंगे तो टी टू दी पावर फोर बाई फोर हो जाएगा और माइनस आपका टी टू दी पावर सिक्स बाई सिक्स होगा अधन सी हो जाएगा। अब टी की जगह क्या लिखेंगे यही कॉस एक्स तो लिखें माइनस कॉस टू दी पावर फोर एक्स बाई फोर माइनस कॉस टू दी पावर सिक्स एक्स बाई सिक्स अधन सी, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सिक्स आप एक क्वेश्चन नंबर थ्री के टाइप का है, आप इसको सॉल्व करेंगे और इसके सलूशन को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और यहाँ आप कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।